हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं होंडा की तरफ से आने वाली बाइक, जो कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको देखने को मिलेगी होंडा SP125। मतलब ये कलर आप देखेंगे एकदम आपको यूनिक देखने में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दो कलर में, मतलब ग्राफिक्स कुछ आपको इस तरह के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब देखने में आप देखेंगे एकदम आपको स्पोर्टी लुक देखने को मिलता है। वैसे अगर कलर वाइज बात की जाए तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका मैट ब्लैक, यहाँ पे आपको ग्लोसी रेड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्लोसी ब्लैक, जो कि मतलब देखने में सभी कलर यूनिक है। लेकिन ये कलर, ये जो है काफ़ी आपने चलता हुआ देखा होगा, जो कि आप मैट ब्लैक इसको बोल सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, उसको नाम भी मैट ब्लैक है। बाकी अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो ये आपको थोड़ा ग्रे टाइप में देखने को लगेगा, मतलब थोड़ा ग्रे शाइनिंग रहती है तो आपको ग्रे लगेगा, लेकिन यह है मैट ब्लैक। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, ये अपना ब्लू कलर होता है, मतलब समथिंग रॉयल ब्लू टाइप से आप बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे आपको लगेगा रॉयल ब्लू, यहाँ पे थोड़ा आपको जो ग्राफिक्स के स्टीकर देखने को मिलते हैं यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश हो गई, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लाइट ग्रीन, जो कि मतलब देखने में काफ़ी अच्छा लुक दे रही है आपको। आगे पीछे चारों तरफ इस कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एकदम आपको। जैसे ना बाइक तो SP125 है, लेकिन ये आप जब आप देखेंगे तो इस कलर से ये बाइक आपको एकदम स्पोर्टी लुक देखने में लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी फ्रंट प्रोफाइल थे, यहाँ पे हमें होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ से इसका वाइजर कुछ इस तरह का ऑफर किया गया है ब्लैक कलर में, और जो वाइजर है यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिल जाता है। अगर हेडलाइट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें हेडलाइट कुछ LED लाइट के सेटअप के साथ ऑफर की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं LED लाइट का सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब टू पीस में आपको यहाँ पे देखने में लगती है, लेकिन है ये सिंगल पीस में। और यहाँ पे अगर साइड कॉल की बात की जाए तो यहाँ पे हमें बॉडी कलर में साइड कॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें ग्राफिक्स के स्टीकर, और यहाँ पे अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो इंडिकेटर में हमें हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। जैसे कि आप सोचते होंगे यहाँ पे है इसकी हेडलाइट में हमें देखने को मिलती है LED लाइट का सेटअप, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलती है नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। जब भी आप गाड़ी परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगानी होगी। और अगर मडगार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है, मतलब जैसे कलर मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यार रॉयल ब्लू, एक ब्लू ये हो गया, जैसे स्कूटी में आता वो ब्लू अलग है, ये ब्लू अलग है, तो यहाँ पर आपको रॉयल ब्लू देखने को मिलता है। अगर साइड से बात की जाए तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्टर ऑफर किए गए हैं, जो कि इसके सस्पेंशन पर हमें लगे हुए देखने को मिल जाते हैं। और अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो आप जैसे कि देखना पसंद करेंगे तो यहाँ पे आपको MRF के टायर ऑफर किए गए हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 80x100 18, मतलब 18 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ यहाँ पे आपको टायर ऑफर किए गए हैं, जो कि आप MRF के टायर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं विद ट्यूबलेस टायर के साथ। और अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कैलीपर ऑफर किया गया। और डिस्क साइज की अगर बात की जाए, जैसे कि मैं आपको देखूँगा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है 3.5 mm। बाकी जो इसका साइज़ है वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में कवर कराऊंगा, क्योंकि इस तरफ भी आपको रिफ्लेक्टर ऑफर किए गए हैं। यार इसका कैलिपर और मटकाट यहाँ पे आपको दो कलर में देखने को मिलता है, ये तो हो गया बॉडी कलर। बाकी यहाँ पे आपको मैट ब्लैक ऑफर किया गया। यहाँ पर जो आप इसका लेग गार्ड देख रहे हैं, ये आपका एसेसरीज़ का पार्ट है। जब आप बाइक को परचेज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, क्योंकि ये एसेसरीज़ का पार्ट है, तो ये अलग से लगा हुआ। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे नट वगैरह लगे हुए हैं, अगर आप नॉर्मल एसेसरीज में नहीं लेंगे तो ये हट जाएगा। जैसे आप अगर इसको लेने की सोचेंगे तो ये आपको एसेसरीज में एक्स्ट्रा पे करके आपको इसको लेना होगा। ताकि अगर साइड से बात की जाए, गाड़ी साइड से देखने में कैसी लगती है, मतलब साइड प्रोफाइल की अगर बात की जाए कि अगर मैं आपको देखूँ, मतलब सिंगल फ्रेम में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है देखने में। कि अगर इधर तो मैं आपको शो कराऊँ, ये इसकी हेडलाइट, मतलब मेन चीज़ यहाँ पर हाईलाइट आपको देखने को मिलती है। जो स्टीकर हैं एकदम इस बाइक को स्पोर्टी लुक दे रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर इधर साइड से बात की जाए तो इसके काउल पे हमें होंडा का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि आप बोल सकते हैं विंग्स टाइप शेप में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी हमें ग्राफिक्स का स्टीकर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर हमें इसका एक काउल और ऑफर किया है। यहाँ पर आप अगर फ्रंट से देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको विंड के लिए दिया गया, मतलब एयर जब भी पास होगी तो आपको, मतलब बहुत बार होता है ना कि गाड़ी वगैरह आप चलाना है हवा वगैरह तो चलिए थोड़ा पछता जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब एयर जाएगी और वो एयर आपके इंजन को आराम से ठंडा करेगी। तो यहाँ पे हो गया साइड कॉल। अगर टैंक की बात की जाए तो टैंक की कुछ हमें इस तरह की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको E20 का
स्टिकर देखने को मिलता है, मतलब बाकी आप समझे रहेंगे। अब जो गाड़ी आ रही है BS6 फेज 2 या BS6 नॉर्मल आ रही है, तो उसमें सभी में आपको E20 फ्यूल ऑफ़र किया जा रहा है। और अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको SP125 की वेजिंग देखने को मिल जाती है, कि यहाँ पे आपको पूरी बाइक में आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा टेक्सचर ऑफर किया गया, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इंजन की बात की जाए तो इंजन पे आपको होंडा का लोगो देखने को मिलता है। बाकी ये रहा इसका गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न, जो कि नॉर्मल आप सभी जानते हैं, बन डाउन एंड 4 अप, कुछ इस तरह का हर बाइक में गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न आता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका रियर सस्पेंशन है। सस्पेंशन इसमें आपको अलग से विजिबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेड कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये रहा इसका फुटरेस्ट, बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह का रियर फुटरेस्ट ऑफर किया गया। बाकी यहाँ पे आपको साड़ी गार्ड, जिससे बाई चांस लेडीज वगैरह गाड़ी पे बैठती है तो साड़ी अंदर नहीं जाती है, इसकी सेफ्टी के लिए। बाकी यहाँ पे आपको साइड स्टैंड ऑफर किया गया है। और अगर इसकी सीट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीट स्प्लिट सीट ऑफर की गई, मतलब सिंगल पीस में। बाकी टूल बॉक्स वगैरह आपको इसी सीट के नीचे ऑफर किया गया हुआ कहीं ना कहीं पर, वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में कवर करके दिखाऊँगा। बाकी इस तरफ भी आपको SP125 की वेजिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर आपको वेजिंग मिलती है ESP, मतलब एक्सचेंज स्मार्ट पावर, कुछ मतलब स्मार्ट पावर है। तो यहाँ पे ये रहा इसका साइड कॉल, यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। इस तरफ भी हमें होंडा का लोगो देखने को मिलता है। बाकी ये रहा इसका ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा इसका साइड कॉल, मतलब सॉरी रियर फुटरेस्ट। यहाँ पे साइलेंसर हमें 2 कलर में देखने को मिलता है। बाकी ये रहा ब्लैक, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलता है। ये रहा इसका रियर सस्पेंशन, और यहाँ पे आपको जो साइड कॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, पूरी गाड़ी पे आपको ग्राफिक्स के स्टिकर देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सीट की। जैसे कि यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट ऑफर की गई है, जो भी आपको सिंगल पीस में देखने को मिल जाती है। और अगर रियर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इसका ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। मतलब आप बाई चांस होता ना, कुछ लोग 3 या 4 बंदे बैठाल के चलाते हैं, तो जो भी बंदा पीछे बैठेगा वो उसको आराम से पकड़ के जर्नी का एंजॉय ले पाएगा। और अगर टेल लाइट की बात की जाए तो टेल लाइट में हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। जैसे कि हेडलाइट में आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट का सेटअप देखने को मिलता है। ये रहा इसका इंडिकेटर, यहाँ पर भी आपको हैलोजन लाइट का सेटअप ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका होंडा का लोगो, जो कि आप देख सकते हैं होंडा का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ पे हमें नंबर प्लेट की लाइटिंग, बाकी यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर, यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। और ये रहा इसका रियर मडगार्ड, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका रियर टायर, जो कि हमें यहाँ पे भी MRF का ऑफर किया गया है। और टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर हमें समथिंग 100x80R18, मतलब 18 इंचिस के टायर ऑफ़र किए गए विद अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पर आपको दोनों तरफ ट्यूबलेस टायर ऑफ़र किए गए हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर इस बाइक का रिव्यू कुछ इस तरह का था, जैसे कि मैंने आपको जो भी मेन पॉइंट, जब बंदा गाड़ी लेने जाता है तो वो ये सब चीज़ें देखता है। ये तो हो गया, बाकी अगर बात की जाए इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो मीटर कंसोल हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका की फॉर्म। तो यहाँ पर आपको की कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको होंडा का लोगो और दोनों की में समथिंग हमें सेम टू सेम ऑफर किए गए। बाकी एक आप लगा पाएंगे, बाकी एक आप अपने स्टॉक में रख पाएंगे, बाई चांस कभी खोती है तो उसमें आपको काम आएगी। यहाँ पे आपको मिलता है होंडा का लोगो। बाकी यहाँ पे आपको 4 नट ऑफर किए गए हैं, जिससे आपका हैंडल लगा हुआ होता है। यहाँ पे अगर हैंडल बार की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पासिंग, ये रहा इसका इंडिकेटर, ये रहा बीप, और ये रहा इसके मतलब ORVM समथिंग मिरर भी आप बोल सकते हैं, बाकी आप ORVM भी बोल पाएंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह के ORVM ऑफ़र किए गए हैं। अगर आप सामने से देखें तो यहाँ पर भी हमें टेक्स्चर देखने को मिलता है दोनों पे। जैसे अगर दिखाऊँ यहाँ पर, यहाँ पे आपको पासिंग, अगर राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हमें स्मार्ट स्टार्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आ रहा है। बाकी यहाँ पे हमें फ्रंट गियर का ऑयल देखने को मिलता है। चलिए लगाते हैं इसकी की को, बाकी दिखाते हैं आपको इसका मीटर कंट्रोल। ये है इसका इग्निशन स्विच, और अगर मीटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मीटर कंसोल कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इतनी बड़ी सी MID ऑफ़र की गई, इसी MID में आपको फ्यूल गेज, ये रहा इसका स्पीडोमीटर। यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिलती है, जैसे 12:42 हो रहा है। यहाँ पे आपको गियरिंग, जैसे अभी ये न्यूट्रल खड़ी है,
तो N11 बाकी यहाँ पे आप ट्रिप ए ट्रिप बी अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे न्यूट्रल का साइन, यहाँ पे आप जैसे गाड़ी ड्राइव करेंगे तो इको मोड वगैरह अपने आप लग जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ ये रहा, इस मतलब आपको सिलेक्ट मतलब सेट करने के लिए दो बटन दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किलोमीटर कितना चली। बाकी इसमें एक ख़ास बात ये, इस बाइक में आपको जैसे फोर व्हीलर वगैरह आप लोगों में थे अगर किसी ने ड्राइव किया होगा, वहाँ पे एवरेज शो होता है, तो यहाँ पे भी आपको एवरेज शो होता है। जैसे यहाँ पे 17.8 का माइलेज शो हो रही है। बाकी यहाँ पे आप जैसे जैसे आप तेल डलाते रहेंगे वहाँ पे आपको रेंज भी शो होती है। पहले ये होता था 1 लीटर तेल डला लिया, 2 लीटर डला लिया, उसमें यह रहता था कि गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, उस हिसाब से अनुमान लगाया जाता है कि अभी 100 किलोमीटर जाएगी, 80 जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप कितना भी तेल डलाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर रेंज आपकी आगे पीछे होती रहेगी। और यहाँ पे जो आपको बटन देखने को मिलता है ये टाइमिंग के लिए, बाई चांस आपका टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है आप सेट कर पाएंगे। यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का, यहाँ पे इसकी घड़ी, बाकी यहाँ पे फ्यूल गेज, बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका न्यूट्रल साइन, और यहाँ पे आपको पासिंग और इंडिकेटर का अगर दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये रहा इसका इको मोड वगैरह। और अगर फ्रंट से दिखाएँ कि इंडिकेटर इसके जलते कैसे हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जलते हुए इंडिकेटर कुछ इस तरह के लगते हैं, जो कि हैलोजन लाइट का सेटअप है। और अगर यहाँ पे इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन देखने को मिलती है, जो कि दिन में कुछ इस तरह की जलती है। वहाँ पे अगर बात की जाए इसकी पासिंग की, जो कि आप देख सकते हैं मतलब ऑलवेज ऑन में ये आपकी जलेगी, मतलब दिन में भी ऑल टाइम ऑन रहेगी। क्योंकि जब आप पास करेंगे हाई बीम तो आपका ये नीचे का सेंसर काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था लाइटिंग वगैरह कैसे चलती है, और बात की जाए इसमें क्या क्या हमें फीचर्स ऑफर किए हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहता है, जैसे मैंने आपको मीटर बताया था, इसमें आपको ओडोमीटर स्पीडोमीटर सभी कुछ यहाँ पे डिजिटल देखने को मिल जाता है। मीटर में हमें फ्यूल गेज, डिजिटल फ्यूल गेज, ओडोमीटर यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, मतलब सभी कुछ यहाँ पर हमें डिजिटल टाइप में, ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो सब हमें डिजिटल फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं इस बाइक में, जो कि बाइक है होंडा SP125। और अगर वेरियंट की बात की जाए जैसे कि यहाँ पर आपको ये डिस्क वेरिएंट देखने को मिलता है, बाकी डिस्क में ये कलर खड़े हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे आप इसका नॉर्मल वेरिएंट भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। और अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात की जाए जैसे कि क्या इंजन हमें देखने को मिलता है, इंजन हमें क्या पावर प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर अगर इंजन की बात की जाए तो हमें 124 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 10.72 BHP की मैक्सिमम पावर, 75 RPM। इसी के साथ अगर मैक्सिमम टावर की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 10.9 NM का मैक्सिमम टावर 6000 RPM पे देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने आपको ट्रांसमिशन भी इसका बता दिया, यहाँ पे हमें 5 स्पीड गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न वही होता है, 1 डाउन एंड 4 अप देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क और रियर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। जैसे कि बात की जाए अगर इसकी कर्व वेट की, जैसे कि आप सोच रहे हैं यार 125 cc की बाइक है तो इसमें कितना वेट रहता होगा, तो समथिंग इसमें आपको 117 kg का वेट देखने को मिल जाता है। अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 100 km/h की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। तो ये तो सब हो गया, जैसे मैंने आपको कर्व वेट बता दिया, पावर बता दी। इसी के साथ आप लोग सोच रहे हैं यार ये बाइक 125 cc की है तो इसमें आपको क्या माइलेज देखने को मिलता है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए माइलेज की तो यहाँ पर आपको कंपनी जो क्लेम करती है समथिंग 60-65 के आसपास। और अगर आप जब चलाएंगे अपने हाथ से, तो यार चलाने वाले बंदे के ऊपर बात रहती है कि बंदा हल्के हाथ से ड्राइव कर रहा है या कैसे ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पे आपको 65+ आपको इसका माइलेज देखने को मिलता है। यहाँ पे टॉप स्पीड आपको 100 km/h की देखने को मिल जाती है। और जैसे गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 1 डाउन एंड 4 अप इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और अगर यहाँ पर फ्यूल टैंक की बात की जाए, जैसे कि फ्यूल टैंक देखने में काफ़ी बड़ा है, तो समथिंग यहाँ पे आपको 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इसी की अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 1.76 लीटर का रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एमिशन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको BS6 Phase 2 ऑफर किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख के आप समझ जाएँगे, जो कि आपको E20 का स्टीकर लगा हुआ देखने को मिलता है, तो आप इससे समझ पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक व्हील स्टैंड सस्पेंशन के बारे में, तो यहाँ पे आपको फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक ऑफर किया गया है, और रियर सस्पेंशन यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक टाइप देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर ब्रेकिंग टाइप की बात की जाए तो समथिंग यहाँ पे आपने हर बाइक में सुना होगा ABS देखने को मिलता है, लेकिन ये ABS नहीं, यहाँ पर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर किया गया। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे जो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है, इसका साइज़ 240 mm है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं, तो वहाँ पे हमें 130 mm का ब्रेक ऑफर किया गया। आगे पीछे हमें दोनों 18 इंचेस के अलॉय ऑफर किए गए हैं विद ट्यूबलेस टायर के साथ। और अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन एंड चेचिस के बारे में, तो इस बाइक में आपको 117 kg का कर्व वेट देखने को मिलता है,
और अगर यहाँ पे सीट हाइट की बात की जाए, कि मैंने आपको बताया था इसमें स्प्लिट सीट देखने को मिलती है सिंगल पीस में, तो यहाँ पे आपको 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया गया। इसी के साथ अगर ओवरऑल लेंथ की बात की जाए, क्योंकि आप अगर नॉर्मल देखेंगे यार सिंगल फ्रेम में पूरी गाड़ी कवर हो जाती है, तो यहाँ पर हमें 2020 mm की ओवरऑल लेंथ ऑफर की गई है। यहाँ पर अगर देखिए ग्राउंड क्लियरेंस अगर बताऊं तो यहाँ पे आपको 160 mm, इसी के साथ अगर ओवरऑल विड्थ की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 785 mm की विड्थ ऑफर की गई है। इसी के साथ अगर हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 1103 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। और जैसे कि आप सोच रहे होंगे यार ये SP125 इसका अगर व्हील बेस वगैरह अगर बात की जाए, तो यहाँ पर हमें 1285 mm का व्हील बेस ऑफर किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ऑल ओवर दिखा दिया कि क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि यहाँ पर हमें कुछ टूल बॉक्स वगैरह कुछ देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से आप की लगा के ओपन कर पाएंगे। जैसे यहाँ से जब आप की लगाएंगे तो सीट ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरह से सीट ओपन होती है। अगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे हमें सीट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंफर्टेबल ऑफर की गई, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टूल के लिए दो चीज़ें दी गई हैं, एक एरा। बाकी कभी मैंने इसका यूज़ तो नहीं किया, अगर XYZ जब भी यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊँगा। और सीट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें इसका फर्स्ट एड बॉक्स देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पे आपको सारे फ्यूज वगैरह सभी कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं है कि टूल बॉक्स हो गया, कभी बाई चांस डॉक्यूमेंट वगैरह रखना हो तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखने के लिए कोई स्पेस नहीं देखने को मिलता। बाकी आप देती जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा यहाँ पर कभी कुछ ना कुछ एक धागे से बांध के या फिर वायर वगैरह लगा के आराम से कवर कर पाते हैं। बाकी सीट की अगर बात की जाए तो सीट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने आपको सीट वगैरह दिखा दिया, अब आप सोच रहे हैं यार इतना सब कुछ मैंने दिखा दिया और अगर वारंटी की बात की जाए तो इस बाइक में आपको स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल, और अगर जैसे किलोमीटर वाइज बात की जाए तो यहाँ पे हमें 42,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिल जाती है। जो चीज़ आपकी पहले हो जाए, समथिंग 2 साल पहले हो जाए या फिर आपकी 42,000 किलोमीटर जो चीज़ आपके पहले हो जाएगी उसी हिसाब से आपकी वारंटी रहेगी। तो ऑल ओवर तो मैंने आपको दिखा दिया, और अगर बात की जाए यहाँ पे इसके प्राइसिंग की, तो समथिंग ये वेरिएंट जो मैंने आपको दिखाया था ये डिस्क वेरिएंट है। यहाँ पे अगर इसके प्राइसिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम 90,000 के आसपास पड़ जाती है। इसी के साथ अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात की जाए तो ये बाइक आपको 1,06,616 रुपये की पड़ जाती है ऑन रोड। और ये प्राइस मैं आपको उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब बीसलपुर में रहता हूँ, वहाँ के मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, वहाँ से मैं चेक करके आपको आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूँगा। और जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं यार मैं वीडियो जहाँ से बना रहा हूँ वहाँ का एड्रेस क्या, जैसे कि आप अगर यहाँ जैसे बीसलपुर के आसपास गाँव वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ आके गाड़ी परचेज कर पाएंगे बड़े आराम से। यहाँ का मैं एड्रेस आपको अभी बता रहा हूँ, मतलब जैसे कि एड्रेस की बात की जाए तो ये रहा यहाँ का एड्रेस। जैसे मैं आपको कार्ड ही दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कुंती ऑटोमोबाइल। एड्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये एड्रेस रहा स्टेशन रोड पीलीभीत। बात की जाए ये रहा स्टेशन रोड, बाकी इधर स्टेशन है, यहीं पर आपको स्टेशन से पहले एजेंसी का एड्रेस है, यहीं पर आप आके गाड़ी परचेज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको फाइनेंस वगैरह की भी सुविधा देखने को मिलती है। और अगर बाइक की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक SP इस कलर में खड़ी है, ताकि यहाँ पे आपको साइन देखने को मिलती है जो भी नई आई है, मतलब ये तो 125 वाली है, बाकी यहाँ पे एक जो नई साइन आई है यहाँ पे, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरह स्कूटी वगैरह है। अगर इसके कलर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वेरियंट की ये मैंने आपको जो बताया था यहाँ पर डिस्क वेरियंट के रेट थे, बाकी यहाँ पर एक डिस्क खड़ा है। और इस तरफ आपको दो ड्रम ब्रेक्स भी देखने को मिलते हैं। बाकी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको होंडा की किस बाइक की वीडियो चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलती है होंडा फैन। एक दो दिन में आपको इसकी भी वीडियो हमारे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरह का था आज का रिव्यू, जो कि है होंडा फैन SP125 ड्रम वेरियंट का। वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।